हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल मैं बना हूँ टीका वीका लगा के, पंडित जी तो बिल्कुल सही बने हैं। आज हम आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया सी जगह पे, मसूरी की टॉप मोस्ट जगह पे, जिसका नाम है भद्राज मंदिर। आप सब लोग तो गए ही होंगे। तो भाई एक अपडेट है, अगर इधर आओगे ना तो अपने रिस्क पे आना, क्योंकि जो रास्ता है ना, रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ का, तो अपने रिस्क पे आना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी स्कूटी बाइक लाना, स्कूटी बाइक आगे खड़ी कर देना रास्ते पे, उसके बाद आना, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। ये देखो, यहाँ कैंपिंग करने लायक है भाई, अल्टीमेट लोगों ने कैंप लगा भी रखे हैं। तो भाई ये जगह देखो क्या अल्टीमेट लग रही है। तो यहाँ हम कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब हम यहाँ कैंपिंग करने आएंगे, जैसे उन लोगों ने कैंपिंग लगा रखी है ना, वैसे हम लोग भी कभी कैंपिंग करेंगे वहाँ। तो ये देखो भाई क्या बढ़िया है। तो ये पीसफुल आवाज सुनी आप लोगों ने, क्या बढ़िया लग रहा है ना, मतलब नेचर के पास में गाय भी है, सब कुछ है, क्या अल्टीमेट यार, जन्नत है भाई। भाई ये कोई चोपता तुंगनाथ नहीं है, ये अपने देहरादून के पास में भद्राज है, भद्राज भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो चलो भाई अभी चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं ऊपर। पैदल आ रहे हैं यहाँ से पूरा रास्ता, क्योंकि पहले जैसे स्कूटी वगैरह बाइक जाती थी मंदिर तक, वो बंद कर दिया है, आधे तक ही जाती है अब स्कूटी, और आधे से पैदल जाना होता है। तो अभी मंदिर है, सीधे मंदिर के दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये देखो, यहाँ पे हम अपने जूते वूते उतारते हैं फिलहाल फटाफट से, फिर देखते हैं। यहाँ लोग कम ही आ रखे हैं वैसे वैसे यार, यहाँ पे ना ये बंद दिख रहा है शायद, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। तो अभी चलते हैं, देख के आते हैं, मतलब कैसे कैसे सीन है, खुला है या नहीं है, चेक तो करना बनता ही है ना। तो चलो, दूर से ये वाला गेट दिख रहा था तो ये बंद है, लेकिन यहाँ साइड से खुला है, तो हम साइड वाले गेट से चलते हैं। एंट्री हमने कर दी। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग अपने जूते उतार सकते हैं, और वो मंदिर है। अभी चलते हैं, मंदिर के थोड़े शॉट्स दिखाएंगे। भाई आधा घंटा मेरे को यहाँ हो गया है, जो जितने भी शूट्स ये जो सिनेमैटिक देखा होगा हाइपर लैप्स वगैरह ना, उस पर मेरे को आधा घंटा लगा बनाने में। और अभी थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर के एरिया का। तो ये देखो भाई, यहाँ है ये पूरा एरिया, पूरा खुला खुला है, और जो ये पत्थर वत्थर है ना, ये कोटा पत्थर है, ये बाहर से आ रहे हैं यहाँ। और ये देखिए, ये एरिया है पूरा, वैसे अभी यहाँ पूरा कोहरा है, तो यहाँ से जो व्यू आता है ना, पूरा सेलक भी देहरादून पूरा दिखता है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरा कोहरा है। देखो, और ये पूरा नीचे गहरा है, वहाँ पूरा उस तरफ से सेलक भी, उस तरफ देहरादून दिखता है पूरा। और ये देखो, ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ का, खूब बढ़िया ग्राउंड है ये भी। अरे देखो मंदिर बढ़िया। तो भाई आधा घंटा और लगा हाइपर लैप शूट करने में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है,
देखते हैं कैसे आता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये मंदिर की दूसरी वाली साइड अभी धूप भी आ गई बढ़िया से, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा और थोड़ी देर इधर बैठूंगा आराम से, और बस तब तक ले नज़ारा वगैरह देखो, थोड़े नज़ारे अभी दिखा ही लेते हैं। तो भाई यहाँ पे बैठे बैठे मैं फ़ोटो, मतलब वो हाइपर लैप्स वाली वीडियो देख रहा था, फ़ोटो देख रहा था, तो उसमें एक बड़ी गड़बड़ आ गई। गड़बड़ ये हुई कि वो बन चुकी है वर्टिकल मोड पर, मेरे को लैंडस्केप में बनानी थी। पर कोई नहीं, अब तुम उसको वर्टिकल मोड में एंजॉय करो, क्योंकि भाई ने मेहनत करी आधे घंटे की, तो वही देख लेना भाई। चलो वापस से, मैंने अभी लैंडस्केप मोड पे एक ट्राई किया हाइपरलैप्स बनाने का, देख लिया होगा अच्छा लगा तो हाइपरलैप्स के लिए लाइक करना, और वर्टिकल वाला भी डालेंगे हाइपरलैप्स। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं वापस देहरादून के लिए। तो चलो भाई, ये था भद्राज का मंदिर, और अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी लंबे समय बाद ब्लॉग बनाया है, और बाकी अब हम सीधा निकलते हैं देहरादून को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।